सफ़ीर अमन आलमी शहरत याफ्ता खुदावन के अजीम खादम चेयरमैन राफा मिशन इंटरनेशनल पादरी सुलेमान मंजूर पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाहकारियों माशी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती और बका माशियत की बहाली पाक अफवाज और मुल्क की सरहदों पर अमन अमान के लिए बहुत बड़ा इज्तमाही दवाइया प्रोग्राम इनेकाद करने के लिए बहुत जल्द कामयाब बैनुल कौमी दौरा करने के बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल खुदावन के अजीम खादम अमन के सफ़ीर होने की हैसियत से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी कलीसिया की जानिब अमन का प्रचार करते रहे हैं। हालिया रूस यूक्रेन जंग में पनाह गज़ीनों के लिए माली अमदाद राशन अदवायात फ्राहम करते रहे हैं। पाकिस्तान में सफीर अमन की रूहानी सामाजिक खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाता है। हालिया सैलाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी बैन अलकौमी तमाम मसरूफियात को तर्क करके पाकिस्तानी अवाम के दर्द को महसूस करते हुए फौरी पाकिस्तान पहुँच गए थे। हजारों खानदानों को अमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिसमस रैली और क्रिसमस डिनर का आगाज भी सफीर अमन पादरी सुलेमान मंजूर को हासिल है। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। दिस इज पास्टर सुलेमान। खुदावन ने मेरे दिल में ये बोझ डाला काफी देर से, जैसे हमारे मुल्क में सैलाब आया और बहुत सारी तबाही का वसीला बना, जिसमें बहुत सारी जिंदगियां हमने लॉस की हैं, बहुत सारा हमने पाकिस्तान का बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी कंट्री का तबाह हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि हम जितने भी मसीह लोग हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, और मैं चाहता हूं कि हम सारे मिलकर दस्ते दुआ जो है अपने मुल्क के लिए बुलंद करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और कलाम में लिखा है कि जिस किसी को तुम बरकत दोगे मैं उसे बरकत दूंगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम कलीसियाओं से, तमाम डिनोमिनेशन से, लेट्स कम टुगेदर एंड लिफ्ट अप आवर हैंड टू प्रे आवर डियर प्रे फॉर द ब्लेसिंग ऑफ आवर डियर कंट्री। एंड मैं तमाम समाजी तंजीमों से, सियासी तंजीमों से, तमाम मजहबी तंजीमों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए हमारे साथ शामिल हों, ताकि हम अपने मुल्क अजीज के लिए दस्ते दुआ जो है वो उसको बुलंद कर सकें, और खुदावन हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारी इकोनॉमी को बरकत दे, हमारे मुल्क को जब हम रीबिल्ड कर रहे हैं सारे मिलकर, सारी तंजीमें, सारी सियासी पार्टियां और सारे लोग जो हैं एनजीओस जो हैं, और वो सारे रात दिन जो इस काम में गामजन हैं, खुदावन हमें सलामती और कामयाबी बख्शे। और लेट्स कम टुगेदर एंड प्रे। और मैं जल्द ही अनाउंस करने वाला हूं किस जगह पर हम दुआ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और तारीख और टाइम भी आपको जल्द हम बताएंगे। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, प्रे फॉर पाकिस्तान।